नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्लास 24। आप लोग राजस्थान पर आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि रोजाना हमारी मुलाकात होती है 7:15, होती तो 8 बजे थी पर अब 2 दिन से होने लगी है 7:15 पर। बच्चों, ये डेट हमारा परमानेंट टाइम रहेगा, रेगुलर टाइम रहेगा, हम लगातार मिलते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन और जबरदस्त रूप से करते रहेंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, फटाफट से आ जाओ मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों, बोलो मेरे संग जय हिंद जय भारत। ठीक है, और फटाफट से आ जाओ यार, इतना टाइम थोड़ी ना लगाना है। और सबसे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन है मेरे पास में, वो है अगर क्वाइज कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग में बगावत होना लाजमी है। तो बच्चों, एक बार अपने दिल को एक प्यारे से कोने में रखिएगा और दिमाग से हमारे यहाँ पर क्वेश्चनों का आंसर देने का स्टार्ट कीजिएगा मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। जैसे देखो, देखते हैं बच्चे आज हमारे यार इस टाइम पे कम ही जुड़ते हैं, क्योंकि मेरी बात हुई थी, बहुत सारे बच्चों से बोल रहे थे कि खाना बनाते हैं सर, हम तो खाना बनाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों से बात हुई कि सर इस टाइम हम गार्डन में जॉगिंग करते रहते हैं, कुछ बच्चों से बात हुई तो बोल रहे थे कि सर इस टाइम हम छत पे घूमते रहते हैं। पर बच्चों, इन सबके बीच में भी आप लाइव क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके कमेंट्स मेरे तक नहीं पहुंचे तो, पर आप लोग मुझे देख तो सकते हो, सुन तो सकते हो। हाँ, मैं आप लोगों को नहीं देख पाता हूँ, नहीं सुन पाता हूँ, डजंट मैटर, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। पर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो और क्वेश्चनों का आंसर देने की अगर आपको फिर भी लग हो तो आधे घंटे के लिए अपना सब काम आप पोस्टपोन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे प्यार से स्टूडेंट जल्दी से आ जाओ यार, वेट नहीं हो रहा मेरे से भी। आप लोग ऐसे इंतजार कराओगे क्या इस टाइम पे, तो कैसे बात पड़ेगी। से जुड़ जाओ मेरे प्यार से, शेर और सी नहीं हो यार, ऐसे इंतजार करो, करा दिया आप तो इंतजार मुझे। चलो भाई, तो स्टार्ट हो गई दिल और दिमाग में बगावत। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल सामने आ चुका है आप लोगों के, और सामने जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ लो उसको और बढ़िया से आंसर दो। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। बच्चों, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी और बेहतरीन हो, क्योंकि पहले टॉपिक से वापस 3-4 दिन में आपको यही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सर, हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम कब तक। बेटा, अभी तक उसका कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है बेटा, नहीं है। गौरव, बहुत दिनों बाद मिला है बेटा, कहाँ चले जाता है यार, कौन सी दुनिया में रहता है, ऐसे शेर होकर, ऐसे शेरों की जैसे रहकर, बिल्कुल सामने रहकर, ऐसे गायब मत हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे यमराज है, कंटिन्यू क्लास लेता है, रोज रेगुलर बना रहता है। किरण है, रेगुलर क्लास लेती है, बहुत अच्छा। और ये देखो KRK, ये भी पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाता है, कभी कभी दिखाई देता है, उसके बाद में फिर से दिखाई नहीं देता। पहला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, एक बार मैं फिर से आप लोगों की तैयारी स्टार्ट से करवाने वाला हूँ, शुरुआत से करवाने वाला हूँ, तो जल्दी से आ जाओ यार, इतना टाइम थोड़ी नहीं लगाना है, टाइम फटाफट से नहीं लगाना, फटाफट से बताओ। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, मध्य में, दक्षिणी पूर्व में, दक्षिण में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में, फटाफट से बताओ। धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यार से शेर। चलो स्टार्ट कर दो जल्दी से, फटाफट से, ऑफिस वाले नहीं छोड़ते क्या। चलो कोई ना, ऑफिस वाले से बात कर लेना कि मुझे गवर्नमेंट लग रहा है, प्राइवेट में कुछ नहीं रखा। चलो बेटा, यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने यहाँ पर कहा, सर ए ऑप्शन को राइट करो ना। बेटा क्यों करूँ, क्योंकि मध्य में सर्वाधिक विद्यमान माना जाता है। बिल्कुल 100% ने बिल्कुल सही कहा है कि अरावली में जो सर्वाधिक डिफरेंस पाया जाता है, अंतराल पाया जाता है, वो मध्य में पाया जाता है। वैसे मैं आप लोगों की बात करूँ कि अरावली का जो डिवाइडेशन विभाजन किया गया है वो कितने भागों में किया गया है, अरावली का विभाजन मेरे शहरों कितने भागों में किया गया, अगर ये बात मैं आप लोगों से करता हूँ तो बताओ आप लोग आंसर क्या दोगे। अरावली का डिवाइडेशन, अरावली का विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए था कि सर अरावली का विभाजन ये तो 3 भागों में किया गया है। हाँ मेरे सर, 3 भागों में, कि सर कौन कौन से 3 भाग। तो बच्चों, एक तो है दक्षिण भाग, बिल्कुल, एक है मिडिल मध्य भाग, और एक है आपका नॉर्थ उत्तरी भाग। ठीक है, इन 3 भागों में किया गया, तो ध्यान रखना इसका जो सर्वाधिक विस्तार है, माइडियन इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपके कहां पर है, दक्षिण में, और न्यूनतम विस्तार है, सॉरी मध्य में, न्यूनतम जो विस्तार है वो कहां पर है, न्यूनतम विस्तार है आपके मध्य में,
और यहीं पर अंतराल भी सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है गिरवा, उड़िया, त्रिकुट या बोराट का पठार? जो बच्चे नए जुड़े हैं आंसर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, घबराए नहीं, ऐसे शर्माए नहीं, और फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करें मेरे प्यार से स्टूडेंट। बिल्कुल बेटा जी, मैंने टाइम चेंज करवा दिया अपना, 7:15 का कर दिया है, ठीक है। पूछोगे नहीं क्यों किया, नहीं पूछोगे ना, मत पूछना। चलो बेटा फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार अजमेर में पाया जाता है। बिल्कुल बेटा, इसका संबंध अजमेर से। वाह मेरे सर, वाह, ऐसे मौज कर दिया करो ना, ठीक है। चलो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार गिरवा, उड़िया, त्रिकुट या बोराट का पठार? अगला ही क्वेश्चन मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयों के लिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बिल्कुल फटाफट से अगले ही क्वेश्चन के साथ। और अगला क्वेश्चन आप मेरे प्यारे से शेरों को कह रहा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, तो बेटा जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ना, सुनो ध्यान से, वो किसका है? उड़िया का पठार। कि सर उड़िया का पठार क्यों है? तो बेटा इसकी हाइट है 1360 मीटर, यह है सबसे ऊंचा पठार। कि सर ये 1360 मीटर जो ये है कहाँ पर? तो बेटा ये सिरोही में है। कि सर सिरोही में पठार भी है क्या? हाँ बेटा, सिरोही में पठार भी है, तो ये सिरोही में स्थित है। इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है विशेष रूप से। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं गिरवा की बात करता हूँ तो गिरवा उदयपुर में। गिरवा कहाँ पर है? गिरवा उदयपुर में। कहाँ मेरे सर? गिरवा उदयपुर में। त्रिकूट कहाँ पर है? बेटा ये त्रिकूट शब्द बड़ा डेंजर है। मैंने राजस्थान में आपको पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान में कमी किसकी रही है? नामों की। देखो त्रिकूट, अगर मैं त्रिकूट आपसे पूछता हूँ कि त्रिकूट पर्वत कहाँ पर है, ठीक है, तो आपका आंसर अलग होगा, और त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर है तो भी आपका आंसर अलग होगा। और नन्हे मुन्ने राइयो, इधर देखो, हो बड़े इंसान हो, इधर देखो। देखो आपकी ये पढ़ाई है ना, लाइफ चेंज वाली पढ़ाई होनी चाहिए, आपका जीवन परिवर्तन करने वाली पढ़ाई होनी चाहिए, तब तो कोई मजेदारी है यार। ये पढ़ाने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एक मन में जिज्ञासा, एक उम्मीद रखनी होगी कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, और अच्छे के साथ में एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। करूँगा क्या? देना है रिजल्ट आपको। फटाफट से बताओ त्रिकूट पर्वत और त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर है? बताओ यारो, त्रिकूट पर्वत और त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर है? नहीं बताओगे? बता दो ना, ओए बता दो मेरे प्यार से, सर ऐसे क्या कर रहे हो, नहीं बताओगे क्या? बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, और बताना पड़ेगा। पहले तो ये कम विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, कोई बात नहीं, पर जो देख रहे हैं कम से कम कमेंट्स तो कर सकते हैं कि सर प्रेजेंट, सर सर आई एम अवेलेबल, सर सर वी, तो ये तो कह सकते हो आप लोग, क्लास के अंदर प्रेजेंट हो तो बताओ तो सही यार, ऐसे क्या कर रहे हो, ये तो गलत बात है यार, ये आप दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हो। ठीक है तोड़ दो यार, एक ही तो है, कितनी बार तोड़ोगे, आप भी थक जाओगे तोड़ तोड़ कर, ठीक है। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा, देखो त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत है मेरे नन्हे मुन्ने राइयों, मेरे देश के सिपाहियों, करौली में। कहाँ पर है ये? करौली में है, जहाँ पर केला देवी माता का मंदिर बना है। बोलो केला देवी मैया की जय, ठीक है। और पहाड़ी कहाँ पर है? तो पहाड़ी जैसलमेर में बेटा। पहाड़ी कहाँ पर मेरे शहरों? पहाड़ी जैसलमेर में। और आपको पता होना चाहिए मेरे नन्हे मुन्ने से राय बच्चों, जो पहाड़ी जैसलमेर में है इस पर सोनारगढ़ दुर्ग बना है। ओला लो, कौन सा दुर्ग बना है? इस पर बना है सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग बना है। इस पर कौन सा दुर्ग बना है? सोनारगढ़ दुर्ग इसके ऊपर बना है। चलो भाई आ गई बात समझ में? ओए गया क्या कुछ दिमाग में मेरे बच्चों, फटाफट से बताओ। हाँ त्रिकूट पर्वत करौली में शेरनी, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अरावली का सिक्कर है एक तरफ और दूसरी तरफ जिले हैं, बताओ रघुनाथगढ़, शेर, जरगा, जयगढ़। फटाफट से मिला दो यारो, आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, जल्दी से। चलो भाई फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। तो देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। यार दिल तोड़ दिया आज लो अपनी संख्या, गलत टाइम चूज कर लिया मैंने। मैंने सोचा कि 6:15 पर बच्चे अच्छे आएंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, इवनिंग का टाइम है, भगवान का टाइम है, तो पढ़ाई के अंदर बड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे। अरे भाई फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। गौरव, किरण, KRK, केवल 3 बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं दिमाग में लेकर। बी होगा, ठीक है बी होगा, तो मिला लेते हैं एक बार। चलो मेरे शेर ने कहा तो क्यों ना मिलाया जाए इस बार। रघुनाथगढ़ बिल्कुल सिक्कर में है बेटा। इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट कितनी है? 1055 मीटर। आज एक जगह पढ़ाया भी था मैंने ये बच्चों को, अब जिनको पढ़ाया था शायद उनको याद होगा, पर पता नहीं फिर भी कौन सी दुनिया में, ठीक है, वो होश में नहीं है, वो आना नहीं चाह रहे होश में, ठीक है,
आ जाओ यार उसमें से क्या कर रहे हो, तो आंसर तो यही मिल गया आपने, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो फिर भी पढ़ेंगे, शेर कहाँ पर है, शेर सिरोही में है, आगे बढ़ने से अपन को कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। और शेर की ऊंचाई कितनी है, तो शेर की ऊंचाई है आपकी 1597 मीटर। ओके, ये राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। तीसरी हाइट पकड़ते हैं यहाँ पर जरगा, ओहो जरगा, जरगा तो उदयपुर में है, और जरगा उदयपुर में है, इसकी जो ऊंचाई है माई डियर ध्यान रखना 1431 मीटर इसकी हाइट है। अब बच गया जयगढ़, और जयगढ़ कहाँ पर है ये कौन बताएगा, ये मैं ही बताऊंगा आप लोगों को और आप बताओगे तो अच्छा लगेगा। जयपुर में, सर हाइट बताओ ना इसकी कितनी है, तो बेटा जी 646 मीटर इसकी हाइट है। तो बेटा ये देखो, ये आपके यहाँ पर जो राइट जवाब हो रहा है बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन हो रहा है, 2143 आपका आंसर यहाँ पर परफेक्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, चलो जितने भी स्टूडेंट हो फटाफट से एक बार तमगा निशान बनाकर भेजेंगे क्लास में कि हाँ सर हम आपकी क्लास में अवेलेबल है, हम आपकी क्लास देख रहे हैं। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से बनाकर भेजो यार, ऐसे क्या यार आप लोगों ने क्लास का पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। मैंने सोचा था कि इस क्लास के अंदर बहुत मजा आएगा, अच्छी तैयारी के साथ बच्चों के साथ अच्छी मेहनत करने का मौका मिलेगा, और अभी तो बहुत सारे बच्चों को टाइम टेबल का ही नहीं पता होगा कि हमारी मुलाकात होती कब है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो फटाफट से एक बार तमगा निशान, जैसे किरण ने बनाया ना, जितने भी स्टूडेंट चाहे एक ही होना, दो ही होना, तीन ही हो, चार ही होना, भेजो, ठीक है, जल्दी से। फिर चलते हैं अपन यहां से आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर, उदयनाथ पर्वत कहां पर है। चलो देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं, उदयनाथ पर्वत कहां पर है। पूजा ये टाइम आने का 11 मिनट लेटर ला ली, ध्यान देना सेनी टाइम पे आकर बताओ बेटा फटाफट से यार, आप जैसे स्टूडेंटों का मुझे इंतजार रहता है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। फटाफट से बताओ यार अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन का क्या आंसर लेके आते हैं। सर थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी सी नहीं बेटा 11 मिनट बहुत लेट हो गई, आधे घंटे की तो क्लास होती है जिसमें थोड़े से लेट थोड़े ना होते हैं। ओके गौरव सी ऑप्शन बता रहा है कि सर उदयनाथ पर्वत तो अलवर में ना, हाँ बेटा आप लोगों को दिमाग लगाने की बिल्कुल यहाँ पर आवश्यकता है, कहीं उदयनाथ को उदयपुर ले जाओ ऐसा नहीं है, उदयनाथ पर्वत स्थित आपके कहाँ पर, अलवर में, ध्यान रखना बेटा उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है, अलवर में। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, देखो बेटा एक क्वेश्चन और भी है, कौन सा, तो अपन कहते हैं हर्ष, क्या बोलते हैं अपन, अपन बोलते हैं हर्ष, क्या बोलते हैं बेटा जी अपन, अपन बोलते हैं किसके बारे में बोलते हैं, अपन हर्ष के बारे में बोलते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो हर्ष की बात करें तो वो कहां पर है, अगर पर्टिकुलर बात करते तो हर्ष आपका सीकर में, हर्ष पर्वत कहां पर है, सीकर में, और अपन बोलते हैं हर्षनाथ, क्या बोलते हैं बेटा जी अपन बोलते हैं हर्षनाथ, और हर्षनाथ कहां पर है, अलवर में, हर्षनाथ कहां पर बच्चों, अलवर में, बिल्कुल ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, हर्षनाथ कहां पर है, अलवर में। चले बेटा चले बेटे, बहुत बढ़िया मेरे शेरों। चलो भाई फिर से ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का, राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है, राजस्थान में क्या दब रहा है, वो दब क्या रहा है, इधर दबाओ ना, इधर क्यों दब रहा है, इधर दबना था कि कहाँ जा रहा है ये हर्ष, राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश, बूंदी और स्वयंमाधोपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, सेकावाटिया टोड़गढ़ की पहाड़ियां। अब बताओ मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयो, देखो वीके अब आया, इतनी लेट आता कि बेटा यार आप लोगों की ना मैं नाराज हो जाऊंगा यार, आप लोगों से नाराज होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है यार, ठीक है गलत बात है, आप लोग तो ना कितने लेट आते हो, ऐसे थोड़ी लेट आते हैं, मेरा दिल उठता रहता है, सोचता रहता हूँ कि कहाँ गए मेरे शेर ज्योति, गलत बात है शेरनी, ठीक है ना, बिल्कुल आज केवल तीन बच्चे टाइम पे थे, एक तो के आर के था, एक गौरव था, इसके अलावा किरण ने आज बिल्कुल संभाल रखा था पूरा शुरुआती दौर, है ना,
हेमराज भी लेट आया है आज, पूजा लेट आई है, इसके अलावा और कौन, ज्योति लेट आई है, वीके लेट आया है, ये गलत बात है यार, टाइम पर आओ, ठीक है, ओके, चले फिर आगे। लाइक और शेयर तो आपने कर दिया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि कौन सा आएगा, तो बूंदी और स्वयं माधुपुरी आपका यहाँ पर आंसर होगा, बूंदी और स्वयं माधुपुर आपका यहाँ पर आंसर होगा, परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन बच्चों, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है, जिला पूछा है बेटा, नाम बता दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। दो महिलाएं बात कर रही थी, रोज गाय, अरे ओए दादा रुजा रुजा यार, कौन कुछ को बात करा रहा है, रुजा दादा, चलिए बच्चे यहाँ पर अब की बार आ चुके हैं अपने रोल में। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है, तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी सिरोही कर दो ना। हाँ बेटा कर दिया ना सिरोही, मना किसने किया आपको, और मैं नहीं मानू, सिरोही बिल्कुल सही है। कौन सा है गुरु शिखर है, आप लोगों की बात मैं नहीं मानू, हो ही नहीं सकता। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं कह सकते, आप लोग यह भी कह सकते हो कि मध्य भारत का सबसे ऊंचा, मध्य भारत का वर्ड भी आप यहां पर यूज करोगे ना, तो भी आप लोगों को बेहतरीन फील होगा, अच्छा फील होगा कि हाँ यार हम पर ने सही यूज किया है। ऊंचाई के हिसाब से अरावली की पर्वत चोटियों की सही क्रम, सही क्रम ऊंचाई के हिसाब से, बच्चों किसके हिसाब से सही क्रम, किसके हिसाब से पर्वत चोटियों की ऊंचाई के हिसाब से, चलो फटाफट से बताओ। शेर जरगा गुरु सिक्कर कौन कौन सी कैसे कैसे आएगी, चलो फटाफट से जमा दो यार, जमाने में तो परफेक्ट होंगे आप। मोनिका मीणा फटाफट से बताओ भाई जल्दी से, ऐसे क्या कर रहे हो, टन बता दो फटाफट से, देखते हैं बच्चे कौन आंसर लेके आता है। बी ऑप्शन बता रहे हैं, गुरु सिक्कर शेर जरगा, अच्छा अच्छा ऊंचाई लिख के बताओ तो जाने, अरे ऊंचाई लिख के बताओ तो जाने, ऐसे थोड़ी ना होगा। और पहले मेरे से क्लास में वादा करो कि हाँ सर कल हम टाइम पे आएंगे, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं रुक गया यहाँ पर, सच्ची कह रहा हूँ। जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, चार बच्चों से शुरुआत हुई थी, देख के डर गया था, आपको कम से कम लग रहा है कि हाँ बच्चे पढ़ तो रहे। फटाफट से बताओ, हाँ सर कल से हम टाइम पे आएंगे, तो ही मैं भी टाइम पे आऊँगा, ठीक है फटाफट से। मैं ये आंसर आपका सबका बहुत अच्छा है, लो आंसर तो मैं दे देता हूँ, आगे पर तभी बढ़ूंगा जब आप लोग मुझसे वादा करोगे कि हाँ सर कल से टाइम पे आएंगे, आंसर तो मैं दे दूंगा आपका, बोलोगे जितनों का आंसर दे दूंगा, पर कम से कम आओ तो टाइम पे ना। अच्छा रिजल्ट, क्लियर, गुरु से जरा आशा रखिए, मैं मत रखो मेरे से तो कुछ भी आशा मत रखो, बस टाइम पे आ जाओ, ठीक है। गुरु को आशा रखनी पड़ रही है आप लोगों से टाइम पे आने के लिए, हद हो गई, गुरु से क्या आशा रखोगे, ट्रिक है मुझे पता है लाली, पर मैं क्या करूँ, ट्रिक का मैंने सत्यानाश कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन, मुझे पता आप लोग वादा नहीं करते हो कि वादा तो टूटने के लिए बना है ना। अरावली श्रेणी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मैं ही बताऊंगा, आप लोग मत बताओ, मैं बता देता हूँ, शेर है, पर आप लोग मुझे इन सबकी ऊंचाई बताओगे, कुशलगढ़ कहाँ पर है ऊंचाई, नाग पहाड़ कहाँ पर है ऊंचाई, शेर कहाँ पर है ऊंचाई, और अचलगढ़ कहाँ पर है और उसकी ऊंचाई, फटाफट से बताओ। सर जी मैं दो अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज देने वाला हूँ, या हो सकती गुड न्यूज भी हो सकती है, ठीक है। मैं अपनी मॉर्निंग की क्लास का टाइम भी चेंज कर रहा हूँ, और मेरी मॉर्निंग की क्लास बच्चों मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, अब होगी दोपहर, दोपहर जो आप लोगों के सोने का टाइम होता है उस टाइम पर लूंगा मैं क्लास, दोपहर दोपहर डेढ़ बजे, और दूसरी क्लास होगी सायंकाल में, सायकाल में भजन आरती के समय कितने बजे, 7:15 PM पर। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयो, अब हमारी मुलाकातों का वक्त
बदल चुका है। जो गुड मॉर्निंग आप मेरे से किया करते थे, अब आप मुझसे गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून किया करोगे। ध्यान रखना अब सब कुछ बदल गया है, कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो ध्यान रखना बेटा जी ये टाइम। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि बच्चे प्रदीप सर का कहना मानते हैं, जो ग्रोपी वाले सर का कहना मानते हैं, और कहना मानते हैं तो उनकी क्लास में पहुंच जाते हैं, उनकी क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं। तो भैया देख लेना यहाँ से हाइट है 1224 मीटर और ये है राजसमंद में। ओके, आप लोग घबराओ मत यार, टाइम से क्या घबरा रहे हो। नाग पहाड़ की हाइट है 790 मीटर और ये है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। यहाँ से नदी निकलती है आपकी लूणी, पता है ना आपको। और उसके बाद में बात करते हैं शेर। शेर की हाइट है 1597 मीटर और ये है सिरोही में। ये कहाँ पर है? सिरोही में। और अचलगढ़ की हाइट बात करें तो अचलगढ़ की हाइट है 1380 मीटर और ये भी सिरोही में है। तो ये रहा, हाँ कल से यही टाइम रहेगा हमारा। अब हमारी मुलाकातों का टाइम बदल चुका है, ठीक है। जब तुम सोने लगोगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा, ठीक है। और जब आप लोग वापस सोचोगे कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मैं आपको वापस आपकी कर्म भूमि में लगा दूंगा, तो दोनों ही आपके रेस्ट वाले टाइम मैंने छीन लिया आप लोगों से। ध्यान रखना कौन कौन सा स्टूडेंट मेरा समर्थन करेगा। हाँ सर, आप इस टाइम पे भी पढ़ाओगे तो हम आपसे इस टाइम पे भी पढ़ने आएंगे। फटाफट से बताओ ऐसे स्टूडेंट की, हाँ सर आप इस टाइम पे भी हमें पढ़ाओगे तो इस टाइम पे भी हम आपसे पढ़ने आएंगे। फटाफट से कमेंट्स करके बताओ। और जो नहीं आएगा ना वो कमेंट्स बिल्कुल नहीं करेगा, ध्यान रखना। जो नहीं आएगा वो कमेंट्स करेगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, बेराट, तारागढ़ या अचलगढ़? अब बताएगा बेटा आंसर क्या होगा। चलो नीलू ने तो समर्थन किया मेरा, थैंक यू बेटा, बुढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे घर में सरकारी नौकरी का दिया जले, ठीक है बढ़िया। हलवा मनता रे बादाम का रोज तेरे घर पे। नीलू ऐसे स्टूडेंट चाहिए यार। विक्की तो हंस के टाल दिया मेरी बात को, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच बुढ़िया पूजा, क्या बात है तेरे। इसका तो बादाम का मन है, तेरे पिस्ता का हलवा मन है, ठीक है। अब जो कोई आएगा ना तो उसके काजू का हलवा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ड्राई फ्रूट की बात चल रही है। ओके चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि मध्य अरावली की बात कर रहा है बच्चों, मध्य अरावली की। इसकी हिम्मत कैसे होगी, मध्य अरावली की बात कर दिया। जरगा उदयपुर में है बच्चों, जरगा उदयपुर में। तो ये तो कौन सी अरावली में? ये दक्षिण अरावली में। ओके भाई ठीक है, हटाओ इसको। बेराट कहाँ पर है? बेराट जयपुर में। अरे तो ये उत्तरी अरावली में, हटाओ इसको भी। ओके अचलगढ़ सिरोही में, अरे सिरोही में, ये भी दक्षिण अरावली में, हटाओ इसको भी। बचा कौन सा? तो बचा आपका आंसर यहाँ पर तारागढ़। ये तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। अरे वाह, यही है वो जो मध्य में है। तो ये आपका आंसर होगा तारागढ़। और ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर इसकी हाइट है। अन्य की बात करें तो जरगा की हाइट मैं आपको बता ही हूँ 1431 मीटर है, बेराट की हाइट है 704 मीटर है, और अचलगढ़ की हाइट मैंने काफ़ी बार बता दी 1380 मीटर है। ओके बच्चों ये बात भी आपकी कंप्लीट होती है, बोलो हाया ना, अरे बोलो हाया ना। तो ये बात भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, किसको लेकर? इन ऊंचाइयों को लेकर, ठीक है। अरे बोलो रे, बढ़े यहाँ से आगे, अरे बढ़े क्या आज यहाँ से आगे। तो ये 73 कर ज्योतिलाली, बहुत सारी किताबों में लगभग में बताते हैं ना, 870 लगभग में बताते हैं श्रेणी, है ना, बाकी ऐसे 873 आएगा। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य श्रेणी में स्थित है? मेवाड़ा की पहाड़ियाँ, रोजा भाकर, इसराना भाकर, गिरवा पहाड़ियाँ? बताओ आंसर क्या होगा यार, ऐसे तो मज़ा ही नहीं आया मेरे को तो। मैं इतने ही बिल्कुल ऐसे सोचा था कि यार मजा आएगा। कविता चौधरी देखो अब आइए, कविता 23 मिनट की क्लास निकलने के बाद, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो रे, इतने कितने काम करवाते हैं घर वाले। मेरी बात करवाओ एक बार सबके घर वालों से, मैं बहुत सबको कह देता हूँ कि वो पढ़ने दो, ये टाइम फ्री रखो इनको। संध्या, ओ भाई संध्या, ये संध्या भी बहुत लेट आई है, श्रेणियाँ ही भरी पड़ी है। एक शेर है केवल गौरव नाम का और वीके नाम का, बाकी सारी श्रेणियाँ। ये देखो रेणु भी अब आई है। अरे भोले भाड़ी हो तुम, कौन सी दुनिया में रहते हो, ओए इधर आओ इधर लौट कर। जे हो महाराज, भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूरी करें। मेवाड़ा ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा होगा मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ये लिखा होगा।
ठीक है, रोजा बाकर और इसरा ना बाकर दोनों स्थित है जालोर में। अरे कहां पर स्थित है? जालोर में। और गिरवा उदयपुर में। गिरवा कहां पर है? उदयपुर में। आगे चलते हैं, लसाड़े का पटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ओ ध्यान रखना बच्चों, जिले के साथ साथ आपको झील भी बतानी है कि किस झील के। ओ अब तो बता दोगे आप लोग, अब तो जिला तो आप लोग ऐसे उठा के लाओगे, लो संभालो सर जिला आपके लिए। ठीक है, बता दो यार ऐसे क्या कर रहे हो, लाइक और शेयर में तो बहुत कमी छोड़ी आप लोगों ने, ठीक है ना। और अब सुनो मेरी बात ध्यान से, रियल में आप लोगों को मेरी क्लास पसंद है, बढ़िया लगती है, आप चाहते हो कि हाँ सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो यार इसको शेयर भी कर दिया करो ना, दो तीन बच्चे और जुड़ जाएंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। सर जी आप तो मेरे पापा से बात कर लो, बहुत काम करवाते हैं मुझसे। ठीक है, ओके बेटा, पापा से बात करा मेरी कि इनसे पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करवाओ, काम के टाइम पर काम करवाओ, ठीक है, नहीं तो काम करना भूल जाएगी। ओके बच्चों, फटाफट से बताएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो लसाड़िया, जैसे झील का नाम आया तो आपके दिमाग में आया ओ झीलों की नगरी उदयपुर होगा, और झील पूछ ले तो फिर कौन सा पिचोला नहीं होगा, गौरव मेरे प्यार से नन्हे मुन्ने क्यूट से इधर इधर तेरे ऐसे कर दूं, अरे बड़े इंसान झील यहां पर होगी, जयसमंद झील, जयसमंद झील होगा बेटा आंसर, जयसमंद झील ये होगा आंसर, जयसमंद झील के किनारे। हाँ ज्योति ने बिल्कुल सही कहा, अरे कौन सी झील के किनारे? जयसमंद झील के किनारे। ओके बच्चों ध्यान रखना विशेष रूप से, जयसमंद झील के किनारे। ओके क्लियर भाई बच्चों सभी का? सर मैं थर्ड ग्रेड टीचर हूं। अरे पूजा क्या बात है भाई, अब तो पूजा मैम हो गई पूजा से, तो ठीक है पूजा मैम, तो पूजा मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी बढ़िया आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको आरएस के पोस्ट पे बिठाए, बहुत जल्दी मेरा फर्स्ट ग्रेड पहुंचाए, अच्छी अच्छी जॉब दे और भी आगे थर्ड ग्रेड से आगे लेके जाए, और 2018 में कोरोना लगा उससे पहले ही, बहुत बढ़िया भाई। एसडीएम भी बनो, आपके जो प्रिय गुरु जी है ना गणेश सर, वो उधर से कह रहे हैं कि इनको टीचर नहीं इनको तो एसडीएम होना चाहिए आपके स्टूडेंटों को, तो देख लो भाई इतनी इतनी कामनाएं आप लोगों के लिए की जा रही है, और आप लोग क्लास को लाइक और शेयर भी नहीं कर रहे हो, गलत बात है। अगर आप गुलाब जामुन खिलाओ, गुलाब जामुन इधर, गुलाब जामुन यहाँ पर, तो जिंदगी गुलाब जामुन हो रहा है, भाणजे को खिला रही है, मेरी शक्ल दिखा दे वैसे इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पर एक बात और सुनो, जो लसाड़े का पठार है ना बेटा, लसाड़े का पठार है ये पठार बेटा जी, कटा फटा है। कैसा ये पठार? ये पठार है कटा और फटा बच्चों। अगर ये पठार कटा फटा होगा तो ये झील कैसी होगी? तो झील भी कटी फटी होगी। अगर पठार ही कटा पटा होगा तो झील भी कैसी होगी? कटी फटी होगी। ओके बच्चों ध्यान रखना दोनों ही बातों का, दोनों ही चीज क्या होगी? कटी फटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ोती, चंबल, लूणी या बोराट? फटाफट से बताओ मेरे प्यारे से स्टूडेंट, अगले ही क्वेश्चन का फिर से आ चुका है आंसर, जल्दी से दो यार। आज का तो भाई कमेंट्स पढ़ के मजा आ गया, किसका? पूजा का कमेंट्स पढ़ के मजा आ गया, थर्ड ग्रेड लगी हुई है फिर भी पढ़ रही है, कितनी बड़ी बात है यार, नौकरी वाले ही नौकरी का महत्व समझ रहे हैं और बेरोजगार है ना नौकरी का महत्व ढंग से नहीं समझ पा रहे, हद हो गई। चंबल नदी कटी पटी है, अरे नीलू बिल्कुल सही कह रही है। चलो भाई अब एक बात बताओ, आप लोग कहीं पर कहीं मेरे से पढ़े हुए होगा इससे पहले, आज ही पढ़ रहे हो या पहले भी कभी पढ़े हुए कोई दुनिया में, अपार अनंत काल की दुनिया में, ठीक है, कोई ऑफलाइन कोई ऑनलाइन कोई पढ़ा हो तो इसे भी बता सकता है मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा चंबल का मैदान नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हाड़ोती का पठार, हाड़ोती का पठार आएगा। ठीक है, हाड़ोती का पठार यहाँ पर आंसर आएगा, और इसका विस्तार राजस्थान के चार जिलों में जिसे प्यार से बोलते हैं, कोटा संभाग, कोटा संभाग के चार डिस्ट्रिक्ट में जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। पता चल गया सभी को? बोलो हाँ। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ोती के पठार में सम्मिलित नहीं है? अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, अपन ने बात की और इसने क्वेश्चन भी वैसे ही पूछ डाला, फटाफट से बताओ बेटा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ जाए, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा।
एक कौन सा रहेगा अगर आपसे पूछे ये? राजस्थानी किस क्षेत्र में विंदर पठार विद्यमान है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी, बताओ आंसर क्या होगा। बता दो जरा क्या आंसर होगा। B4 दक्षिणी पूर्वी पठार, बिल्कुल सही है। ओके, दक्षिण पूर्व में पाया जाता है, नो डाउट, 100%। राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ओह, विंध्य कगार पूछा, बताओ। ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, बालू का पत्थर, बेसाल्ट, बताओ। यहां पर संतोष चौधरी, राधे राधे, राधे राधे, क्लास खत्म होने का टाइम आ गया, राधे राधे। कहाँ बैठे थे संतोष भैया, टाइम पे आया करो यार। आपको पता है ना हमारी क्लास का टाइम 7:15 पर है और क्लास को हम 7:45 पर छोड़ देते हैं, ठीक है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रोज के करवाते हैं यार, गलत बात है बेटा। कल आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरा टाइम ध्यान से सुन लीजिएगा, कल हमारी क्लास का टाइम 1:30 PM दोपहर में रहेगा और दूसरा टाइम 7:15 PM पर रहेगा, ठीक है। फिर से सुन लो, इस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा कृषि एग्रीकल्चर थ्योरी पढ़ाऊंगा और इस जगह मैं आपको MCQs क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना बच्चों, विशेष रूप से आपको फिर से बता दूं, हमारा टाइम टेबल ये रहने वाला है कल से, ठीक है। कल से हम मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग आपस में एक दूसरे से नहीं करेंगे, हम सीधे करेंगे गुड आफ्टरनून। क्या करेंगे कल से अपन? गुड आफ्टरनून करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पर आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, बालू का पत्थर। अब सुनो मेरी बात, बी क्यों होगा? बी किसने बताया? बी क्यों होगा इंग्लिश की? हाँ, कल मेरी जगह जो आपकी क्लास 8 बजे है, 8 AM पर क्लास होगी इंग्लिश की, मैडम पढ़ाएगी आपको इंग्लिश, ठीक है। तो मैडम से इंग्लिश पढ़ लेना अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती हो, इंटरेस्ट आता हो इंग्लिश के अंदर आपको, ठीक है ना। चलो इधर आओ, इधर ओ इधर आओ, बोले इंसान हो, आपका ध्यान किधर है? इधर आओ फटाफट से, इधर देखो भाई। अलग बात करते हैं अपन यहाँ पर जल्दी से कि विंध्यन का जो संबंध है वो किससे? बालू का पत्थरों से। तो फिर कि सर ये बताओ कि क्वार्टरजाइट से निर्माण किसका? हाँ जी, क्वार्टरजाइट से निर्माण किसका हुआ है? तो क्वार्टरजाइट से निर्माण हुआ बेटा जी अरावली का। किसका निर्माण हुआ है? अरावली का। तो बच्चों इस प्रकार से आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, फिर कल हम मिलेंगे इसी उमंग और दोस्त के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। कैसा लगा सेशन कमेंट्स करके जरूर बताएं।